पांच नदियों के संगम पंचगंगा तीर्थ पर जगाई स्वच्छता की अलग। पांच नदियों के संगम पंचगंगा घाट से नमामि गंगे की जल संरक्षण की अपील। मंगलवार को नमामि गंगे ने गंगा यमुना सरस्वती कीड़ा धूतपापा नदियों के संगम पंचगंगा घाट पर स्वच्छता की अलग आई। इस दौरान दुर्गा घाट और ब्रह्मा घाट तक गंगा किनारे की साफ सफाई की गई। पांच नदियों के संगम पंचगंगा घाट पर माँ गंगा की आरती उतारकर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। जल प्रकृति का अनुपम उपहार है, आओ घर घर अलख जगाएं, जल संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं। जल प्रकृति की अनमोल देन है, जल का सदुपयोग करें। जैसे गगनभेदी नारों के बीच सभी को गंगा स्वच्छता और जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे नेमिज स्नार्थियों और श्रद्धालुओं से गंदगी न करने का आग्रह किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित जल अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। गंगा जल जैसे प्राकृतिक संसाधन की बचत करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कुओं नलकूपों तालाबों और माता की तरह हितकारी नदियों से अंधाधुंध जल दोहन की कारण भूजल में कमी आ गई है। इसलिए हर व्यक्ति का दायित्व है कि वह जल के महत्व को समझते हुए इसका सदुपयोग करे और जल को व्यर्थ में ना बहने दे। जल शक्ति अभियान से जुड़ संकल्प ले कि जल बर्बादी रोककर जल संरक्षण करेंगे। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राजेंद्र मिश्रा, दिनेश शर्मा, काजल मेहरोत्रा, सलोनी पाठक, सुमन गुजराती आदि शामिल रहे। न्यूज लाइन भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। राजेश शुक्ला, गंगा सेवक संयोजक, नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज हमने पांच नदियों के संगम पंचगंगा तीर्थ पर स्वच्छता अभियान चलाया है और सैकड़ों लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया है। यह पांच नदियों का संगम है और इस संगम पर स्वच्छता अभियान करके हमने यह कामना की है, यह प्रदर्शित किया है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं और इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब मिलकर भारत की इन पुण्य पवित्र नदियों की स्वच्छता का ख्याल रखें, यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा उद्देश्य है। आइए गंगा दशहरा के पर्व के पूर्व इन 5-6 दिनों में अपनी गंगा मैया को, गंगा मैया के तट को स्वच्छता करके यह आभास कराएं कि गंगा जो सदियों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को अपने आंचल तले पाल रहे हैं, हमारी पेयजल, सिंचाई, तीर्थाटन, अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी गंगा मैया कर रही हैं, ऐसी गंगा मैया का तट साफ सुथरा दिखाई दे, हम आप सभी से यही कामना करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम संकल्प लेते हैं गंगा किनारे गंदगी नहीं करेंगे, हम गंगा किनारे गंदगी ना करते हुए सभी लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को, परिवार के सदस्यों को, पर्यटकों को यह प्रोत्साहित करेंगे। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, गंगा के तट पर स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हम गंगा किनारे पॉलिथीन, कपड़े एवं अन्य गंगा को प्रदूषित करने वाली सामग्रियों का विसर्जन नहीं करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गंगा मैया की। संगम है, हम आप सभी से निवेदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं कि थोड़े से परिश्रम के बाद हमने ये जो सामग्रियां यहाँ से निकाली हैं, इसमें कपड़े और पॉलिथीन की बहुतायत है। हम आप सभी से यह निवेदन करते हैं, यहाँ गुहार लगाते हैं माँ गंगा की तरफ से,
कि गंगा के तट को स्वच्छता स्वच्छ बनाए रखने में हम सभी का योगदान होना चाहिए। आप सभी यहाँ स्नान करने आते हैं, यदि आपको कोई भी गंदगी दिखाई दे तो उसको स्वयं अपने हाथों से उठाकर किनारे की ओर रख दें, ताकि यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो उठा करके उसको कूड़ेदान में समर्पित कर देगा। आप सभी से निवेदन है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारा भी दायित्व होता है। तो मिलकर एक बार फिर बोलिए, गंगा मैया की, गंगा मैया की, बाबा काशी विश्वनाथ जी की, बिंदु माधव जी की, पंचगंगा घाट की, पंचगंगा तीर्थ की, पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।